आज अपन आ चुके हैं न्यू व्लॉग में और रेनू हमारी जा रही है स्कूल। मम्मी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। मैं क्या ना सुबह उठ के पढ़ रहा था, पहली बार 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ। पहली बार नहीं, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले ना तो 5 बजे उठ के पढ़ रहा था। और अभी हो चुका है करीब, कितना बज रहा है, 6:48 हो रहा है और रेनू का टाइम है स्कूल जाने का। ये रेनू तेरा 7 बजे स्कूल है ना? 7:30। मुझको लगा 7 बजे, इतना लेट कैसे हो गई। ये तो अभी रेडी हो गई पूरा, और थोड़ा पानी गिर रहा है, देखो पूरा मौसम ख़राब हो गया है। और ये अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, उसके यहाँ भी पानी गिर रहा है तो वो भी नहीं आ रही। कहाँ जा रही है वे? ऐसी जाएगी, पापा को तो उठा, दूध लेने जा रही है। तो रनू हमारी दूध लेने जा रही है और मम्मी यहाँ है। पापा तो हमारे एज़ यूजल सोए हुए हैं अभी भी, उनको उठाना पड़ता है, खुद से तो उठते नहीं है वो और बहुत लेट उठते हैं। तो अपन अभी थोड़ा देर, मैं सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता वास्ता बनाएगी मम्मी, कुछ खाऊंगा। मम्मी क्या बनाओगी, कुछ बना रही हो क्या? पोहा। तो रन्नू के टिफिन के लिए पोहा बनाएगी, तो मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा, मजा आएगा। अभी मैं अपना काम ही कर रहा था। बोलो कि रन्नू बोल रही है पोहा नहीं खाऊंगी, ले जाऊंगी टिफिन में। पोहा नहीं ले जाऊंगी? हाँ हाँ बोलती है पोहा नहीं ले जाऊंगी। क्यों? तो मैं क्या करूँ, टोस्ट खाएगा तू? अभी मेरे को दे दो, बाकी कुछ बनाना हो तो बना देना। मैगी वैगी ले जाएगी वो, तो जब वो बनेगा तब खाऊंगा। अभी मैं कुछ चाय टोस्ट दे दूँ, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ। अरे यार मैं ब्रश ही नहीं क्यों बताऊँ, वो सुबह से उठ के मैं पढ़ रहा था, बंद था अंदर, पहले ब्रश कर लेता हूँ फटाक से। ये हाँ मेरा ब्रश। अरे मेरा ब्रश इधर वाला नहीं है, ऑरेंज कलर का, अच्छा इधर छुपा है इसके नीचे, देखिए। अरे उल्टे हाथ से कर्ज नहीं बन रहा। फ्रेंड्स ब्रश तो मैंने कर लिया है, अब चलो अंदर चलते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स फिलहाल अभी मेरी चाय आ चुकी है, तू जाने वाली स्कूल, चल भागना, तो भाग जल्दी। कैंसिल हो गया? ओ ये देखो, तो चलो मैं चाय पी लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे चाय पसंद नहीं है, लेकिन आज ठंडी का दिन है ना अभी, तो इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ। क्या बनने वाली थी? झांसी की रानी, और मैंने तलवार रेडी की थी। ये कोई तलवार है? छी, तेरे को पकड़ने नहीं आ रहा, ऐसे नहीं पकड़। ऐसे कैसे झूल रही है तलवार? ऐसे पकड़ते हैं। अबे इसके लिए मैंने तेरे लिए अपने पैसे से कलर खरीदा, तुझे पैसा देना है बाकी। हाँ तो पैसा वापस चाहिए ना मेरे को। हाँ तो चल अब भग पढ़ने भग, वैसे भी ज्यादा फैंसी ड्रेस नहीं बनना है, चुड़ैल तो वैसे ही दिखती है तू। पढ़ाई से ज्यादा ना, पढ़ाई भी करनी चाहिए और फैंसी ड्रेस करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ये क्या बोली, फैंसी ड्रेस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए? ऐसा नहीं, मैंने बोला फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भी किसी भी जो प्रोग्राम हो उसमें भाग लेना चाहिए, और जैसे पढ़ाई उसमें भी पढ़ाई में भी अच्छा बनना चाहिए। अच्छा, और मैं दोनों में अच्छी। चल भाग जा, भाग अब जल्दी यहाँ से, आऊं। पॉलिश कर जा। चल अब जा, मैं चाय पी रहा हूँ अपना। अभी हम लोग आए हैं पापा और मैं, पापा के फ्रेंड के यहाँ। ये शैलेश भैया, और ये रही इनकी शॉप है मिठाई की। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पनीर को कैसे फाड़ा जाता है, और यहाँ पे अभी मेरे सामने दूध को फेटा जा रहा है पहले। ये कौन सी मशीन है भैया? दूध घोटने का। देखो फ्रेंड्स दूध फट गया अभी, कहाँ डाले इसके अंदर जो फट गया है? हाँ? क्या डाले फट गया जिससे? छेना पानी। छेना पानी खट्टा वाला। अच्छा अब इसको इस कपड़े में बांध के सेट करेंगे,
इस कपड़े के द्वारा इसे अभी छाना जा रहा है और पनीर इसके अंदर सेट हो जाएगा। पानी नीचे गिर रहा है, कुछ इस तरह से पनीर फटता है और अब इसको सेट करेंगे। पानी नीचे छन जा रहा है इस डब्बे में और ऊपर फटा हुआ पनीर बच रहा है। अभी रेडी हो चुका है, अब इसे थोड़ा दबाएंगे, प्रेस कर रहे हैं जिससे कि पनीर थोड़ा फैल जाए और इस पे वजन रख दिए। अब कुछ देर बाद जब इसे ठंडा हो जाएगा तब इसे फ्रिज में डाल देंगे, है ना। फिर ठंडा हो जाएगा तब इसको बेचेंगे, तब भी फिर रेडी है खाने के लिए। और आपने देखा अभी कैसे बनता है पनीर, कैसे फाड़ा जाता है। इतने बड़े दुकान के मालिक होने के बाद भी शादी क्यों नहीं किया? पैसा नहीं है ना, गरीब हो गए। गरीब हो गए और ये दुकान फिर किसके नौकर हो आप यहाँ के? गरीब बोलते हो। और शादी करने का फैसला कब है? अगले साल। अगले साल पक्का? फिर बुला रहे हो? पक्का। अपने दुकान की मिठाई खिलाओगे? बिल्कुल। हाल अभी हम लोग खाते रहते आते हैं तब, और अंदर यहाँ काम चल रहे हैं। आपने देखा पनीर कैसे बनता है, और यही रहे भैया के शॉप। पनीर रेडी हो जाता है तब वो इस टाइप का दिखता है और इसे फिर काट काट के बेचा जाता है। आया है हमारे पास छोटा सा कस्टमर पर दही लेने। भैया आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कहे नहीं हुई है? लड़की नहीं मिल रही। लड़की नहीं मिल रही। उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। 25 साल, ज्यादा थोड़ी ना है। शॉप का नाम है रघुवीर मिष्ठान भंडार, कुछ ऐसी है। और पापा खड़े हैं, पापा इनके फ्रेंड है तो मैं भी उनके साथ आते रहता हूँ और अलग अलग मिठाई टेस्ट करता हूँ। मेरे को मौका मिलता है, देख लो कितनी सारी मिठाई है। अंदर से भी दिखा देता हूँ एक बार। ये भाई है, साफ सफाई करती हैं सब। फ्रेंड्स ये रही इनकी स्पेशल चीज, लेकिन इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस है। और यहाँ पे रेडीमेड नहीं मिलती, यहाँ पे बना के दिया जाता है। देख सकते हैं ये सब इन्हीं की दुकान की बनाई हुई है और इसे मिक्स किया जाता है। ये मिक्स वाला है और इसे अपने मन से भी चूज करके मिक्स करा सकते हैं। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे और रेडीमेड भी है जिसे पसंद हो, लेकिन इसे ज़्यादा कोई नहीं लेता। रात शाम के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, सब इसे ही लेने आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। और ये इनका बहुत स्पेशल चीज़ है, इसे मैं बाद में दिखाने वाला हूँ। भैया नाम बताओ। अरे बताओ ना, जैसा कि मैंने आपको बताया ये शर्माते बहुत है। शादी हो गई आपकी? हाँ नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ, इसलिए शर्माते हो क्या? करूँगा भी नहीं शादी। करूँगे नहीं? करूँगा भी नहीं। क्यों? उम्र क्या है यार, अभी करूँगा शादी। तो ये शर्मा रहे हैं। इनके यहाँ से दूध की सप्लाई भी होती है और अंदर सब चल रहे काम। और मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे पनीर बन रहा था और वहाँ पे दूध को फेटा जाता है, अलग किया जाता है।
ये जो भैया है इनको बहुत शर्म आती है बोलने में आए, और बहुत ही कम बोलते हैं भैया। और ये सब यहाँ पे अभी दूध पैक कर रहे हैं और इसे छोड़ने जाएंगे घर घर। तो ये भी आ गए भैया, यहाँ पे काम करते हैं। भैया नाम बताइए अपना। रिंकू। सुबेरे से कितना लीटर दूध बांधते हो? ये हम लोग कितना लीटर बांधते हैं आप बताओ ना भैया। तो ये देखो, आपको दिखाने वाला हूँ स्पेशल। ये स्पेशल है। और ये रही यहाँ की मिर्ची, तो ये बहुत ही तीखी होती है, खोलने से ही मेरे को सुगंध आ रही है बहुत। इसका बहुत तेज स्मेल है और मिर्ची नाक तक के आती है। और ये यहाँ का स्पेशल है, ज़्यादातर लोग इसे भी लेने आते हैं। ये रही हमारी मामी। मामी नाम बताओ अपना। मेरा नाम मिश्रा जी। मिश्राइन जी। और कहाँ से आए हो? हाँ, बिहार से। बिहार अमलाई। ऐसे ही यहाँ पे दूध आता है, फिर इसे पैक करके बेचा जाता है। फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और हमारे घर आए हैं मेरी मामी अमलाई। बताओ ना अमलाई। अमलाई बिहार से आए हैं अमलाई में। ऐसे बोलो ना तुम। और बोलिए सब ठीक? और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, और हो गया बस। और अभी हम लोग सब बैठे हैं, मम्मी मिल रही है अपनी। मम्मी आपकी क्या लगेगी? भाभी से। भाभी। और ये हमारी सुमन दीदी है। सुमन दीदी हाय। ये मेरी मौसी की बेटी है, सबसे जो बड़ी वाली मौसी है उनकी सुमन दीदी। यो बेबी। और इन लोग अपना मोबाइल में घुस गए। बस मैं हम लोग एक साथ बैठे थे, क्या बोले मम्मी सुमन दीदी भी आएगी ना, मतलब साक्षी दीदी तो हो गई, बस मैं बैठ गई। सुमन दीदी के घर ही जा रहे, मम्मी सुमन दीदी भी आएगी? मैं बोले नहीं बेटा, सुमन दीदी नहीं आएगी। मम्मी वो बोल रही है जब हम लोग गए थे क्या बोलते हैं छठ पूजा, तब अरे तो यहाँ वो यहाँ पे आई थी ना चरोदा में। हाँ कभी नहीं, शिव चर्चा में जाना था, बहुत मजा आता। हाँ यहाँ तो इतना एंजॉय नहीं करी। अब हमको कहाँ मालूम कहाँ छुपा कर रखा। मामी अपना इतना सा फोन देख रही है, हमारा फोन देखो कितना बड़ा है। ऐसा लेके घुमा करो ना, सब चलेगा। हाँ मेरा था ही नहीं। फ्रेंड्स अभी मामी जा रही है और हम सब इनको छोड़ने जा रहे हैं नीचे तक के, और मेरे को तो ट्यूशन जाने, मैं बैग धरता हूँ और ले जाता हूँ फिर। फ्रेंड्स आज की इतनी मेहनत के बाद हम लोग थक चुके हैं। ये नहीं थकी है, मेहनत मैंने किया है तो मैं थका हूँ। और मैं ट्यूशन से आ गया था, फिर थोड़ा पढ़ा, और खाना खाने के बाद अभी मेरे को नींद आ रही है। वीडियो एडिटिंग करना है, मैं वीडियो एडिट हो चुका है और अपलोड भी करूँगा। तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आज हमने पनीर बनाना देखा और सीखा भी, उसे आपने भी सीखा होगा ज़रूर कुछ। और आज हमारी आई थी हमारी मामी मंटू मामी, जो अमलाई से थी, और हमारी सुमन दीदी। तो बहुत ही मज़ा आया आज के ब्लॉग में। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन मत भूलिएगा, सब कर दो, दबा के बेल आइकन सब्सक्राइब ठोक दो। तो बेबी चले सोने, मैं तो लेट ही गया हूँ, बस आग बंद करके। नींद नहीं आ रही सुबह सुबह ज्यादा मरू। चल सो जा। चलो फ्रेंड तो सो जाए।